नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेवन न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इससे हम खड़े हैं वसई बस डिपो के यहाँ, जहाँ आज वसई विरार महानगर पालिका ने एक महिला दिवस, जो 8 मार्च को महिला दिवस था, उसके उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए आज बस प्रवास मुफ्त किया है। हालांकि 8 मार्च को महिला दिवस था, लेकिन 8 मार्च को वसई विरार महानगर पालिका की बस सेवा इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थी। साथ ही साथ होली का त्यौहार था, तो ये लाभ महिलाओं को आज दिया गया है। शिव जयंती भी आज है, और इसी मौके पर हमारे यहाँ साथ यहाँ कुछ महिला प्रवासी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैडम, आपका नाम? रेहाना सैयद। रेहाना जी, आज आप महानगर पालिका की फ्री बस सेवा का जी बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। आप हमेशा बस का इस्तेमाल करते क्या? जी जी जी। कहाँ से आप? नाला सुपर से, और कभी बैंदर से, मीरा रोड, काशी मीरा, सब जगह जाते। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुश हो गई। आपका नाम? जिया खान। आपको कैसा लगा आज? आपको फ्री दिया, आप यंगस्टर हो, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगा, सब लोग डेली जाते कॉलेज। आपको ये मालूम है कि फ्री क्यों किया? हाँ, वुमेन डे के वजह से ना, बताया था। हाँ। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम है रीटा गोम्स। मैडम, आप कहाँ से सफर करके आए हैं? मैं गिरिश से आई हूँ। गिरिश से आए? हाँ। आज महानगर पालिका ने फ्री सेवा दी महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप हमेशा ये बस इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हमेशा करते हैं, और महानगर पालिका की हमेशा अच्छी सेवा मिलती है, और बहुत सालों बाद आज फ्री टिकट से आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी मौका मिला नहीं, आज पहली बार मेरे इसमें मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। महानगर पालिका ने एक इनिशिएटिव लिया है, नया इनिशिएटिव, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये पहली बार उन्होंने आज, हालांकि महिला दिवस 2 दिन पहले था, लेकिन होली और कुछ होने के, आज शिव जयंती भी है, दोनों के उपलक्ष्य में आज रखा गया। तो आप इसको, इसके बारे में क्या अपनी तरफ से महानगर पालिका को कितने परसेंट उनका मार्क्स देने चाहेंगे? मैं तो 100% दे दूंगी मार्क्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या सुझाव देने चाहेंगे, और इसमें बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमेशा टाइम पे बस मिलनी चाहिए, ऐसे कभी कभी ऐसे लेट वगैरह होता है, तो वो और टाइम पे मिलेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, आपने बताया कि आप हमेशा बस में सफ़र करते हो, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बस दूसरे व्हीकल से कितना सेफ है? दूसरे व्हीकल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रिक्शा से तो बहुत बेहतरीन है, आराम से हम लोग आ सकते हैं, किसी बात का हम लोग को टेंशन नहीं रहता है, आराम से सफ़र कर सकते हैं हम लोग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बस के किसी स्टाफ ने कोई बदतमीजी की हो या किसी ऐसी तरह? नहीं, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका की बस सेवा जो है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बगदर जाने वाली बस है, इसमें कुछ पैसेंजर हैं, महिलाएं, उनसे बात करते हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है? मैडम, आपका नाम? रेचीना। मैडम, आज जो है महिलाओं के लिए बस पास, बस फ्री किया हुआ है, बस प्रवास, क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा अगर रोज होगा या हफ्ते में 2 बार होगा तो भी चलेगा। हफ्ते में 2 बार दुकान से देंगे। महिला दिवस का अच्छा उपलक्ष्य में, महिला दिवस जो 8 मार्च को था, अच्छा, उसके उपलक्ष्य में आज महानगर पालिका ने ये एक फैसिलिटी महिलाओं को दी है। आज शिव जयंती भी है, तो उसके लिए ये दी है। अभी इस तरह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, रक्षाबंधन भाई दूसरे भी इस तरह की? हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए, महिलाओं को होनी चाहिए रक्षाबंधन, हो विशेषकर भाई दूज हो, और हर कोई भी फेस्टिवल, ओनली भाई, और ये नहीं होना चाहिए कि रक्षाबंधन, और भी सारे फेस्टिवल है, तो ऐसा ना उनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये महाराष्ट्र या मामेडियन या मुस्लिम लोगों के फेस्टिवल को मिलता है, तो अगर यूनिटी चाहिए तो हर फेस्टिवल में दो। अगर ये फ्री देते हो, उसके बदले लोग आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं, वो बस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखो, वो बेटर रहेगा लोगों के लिए। एक दिन साल में 2 बार, 1 बार फ्री रखोगे, 20 रुपये का मतलब नहीं है, लेकिन लोग खड़े रहते लाइन में आधा आधा घंटा, कभी कभी बस नहीं मिलती है। विशेषकर कौन सा ऐसा रूट है जहाँ पर बसें नहीं है? भास्कर आई है, होली मार्ग जो बस है, वो वहाँ पे 1-1 घंटा बस नहीं आती, और बोलेंगे बीच में कभी बंद पड़ती है, तो वो सब देखो, ये फ्री के बदले वो ज़्यादा ज़रूरी लोगों को है, क्योंकि ये फ्री तो रोज़ नहीं मिलने वाला नहीं है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ, साल में या हर साल में 1 या 2 बार आप देंगे, लेकिन उससे मुझे लगता है कि लोग जो खड़े रहते हैं आधा आधा घंटा, कभी कभी बस नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखो तो बेटर रहेगा। स्मिता। स्मिता जी, आज वसई विरार महानगर पालिका ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में बस प्रवास महिलाओं के लिए फ्री किया है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मालूम भी नहीं था।
हम लोग रिक्शा से जाने वाले थे, रिक्शा वाले ने बोला कि इसमें जाओ करके, इसके लिए हम लोग इसमें चढ़े। फ्री है ऐसा नहीं बोला, वो बोला बस खड़ी है आपको, अब ये बस में जाओ आप, किला बंदर आपको जाने का है। तो सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि भाई लेडीज के लिए ये सब प्रोवाइड कर रहे हो, सुविधा कर रहे हैं, अच्छा है। हर फेस्टिवल में करोगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अभी इन महिलाओं से कि आज उनके लिए बस सेवा मुफ्त है, उसमें उनको कैसा महसूस हो रहा है। ज़्यादातर महिलाएं खुश है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के लिए महानगर पालिका को सराहा है कि एक ये फैसिलिटी दिया अच्छा है। लेकिन इसमें एक सुझाव भी निकल कर आया है और वो सुझाव इम्पोर्टेंट है। एक महिला जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका एक कहना है कि कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर बसों की फ्रिक्वेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ लोगों को आधा आधा घंटा एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो उनका यह सुझाव है, इस सुझाव को परिवहन समिति को जरूर मानना चाहिए कि ऐसे रूट जहां पर खासकर बसों की फ्रीक्वेंसी कम है उनको चिन्हित करके वहां पर दूसरे दिनों में भी बसों की फैसिलिटीज़ की जाए, ताकि लोगों को प्रवासियों को तकलीफ़ कम से कम हो और दूसरे दिनों में उनको प्रवास के लिए आराम से बस उपलब्ध हो पाए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786